सबको जय मसीह की गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की सांझ की बेला में हमें ये मौका मिला कि मैं एक बार फिर से आपके बीच में सम्मिलित हो सकी। हाँ, बहुत महीनों के बाद मैं फिर से लाइव आई हूँ और ये मौका मुझे परमेश्वर ने दिया और साथ में उसके दास हमारे ब्रदर अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड का मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पेज पर, अपने इस पेज पर, कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं और उसके वचन को आप लोगों के बीच में बांटने पाऊं। आइए हम परमेश्वर के इस वचन को जो आज हम आपके बीच में बांटना चाहते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले कि जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स हैं और इस पेज से जुड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि वो सब जबकि अपना प्रेशियस टाइम देकर हमारे इस पेज पर जुड़ रहे हैं, आगरा मसीह मंडली पेज पर, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पेज के लिए अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में इस पेज को याद रखें। साथ ही मैं जितने व्यूवर्स इसमें जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए उनका स्वागत करती हूँ कि आप सब हमारे इस पेज पर जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपका साथ ही स्वागत भी करती हूँ। और मैं एक बार फिर से ब्रदर अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके इस पेज पर एक उनका हिस्सा बन सकूं, परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और आज जबकि हम एक विषय के बारे में जानेंगे या सीखेंगे, उससे पहले हम आराधना में जाएंगे परमेश्वर की, ताकि हम इस सांझ की बेला में जबकि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया, समय दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसके वचन को सुनने पाए और उसकी उसकी सारी जो उसने हमें दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार जो कुछ भी उसने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद कर सके, उसका उसके जय जयकार करने पाए। और आइए हम जो आज इस साथ में हमारे जुड़े हैं उन सब को साथ में लेकर मैं कुछ गीतों में जाएंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। भजन कर्ता कहता है कि जो अपने 100 अध्याय में कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को उसके वचन के लिए तैयार करें ताकि वो हमारे बीच में उपस्थित होने पाए और हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करें कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो, ताकि जो भी वचन आज उसके द्वारा मैं बोलने जा रही हूँ उसमें मेरा कुछ भी उसमें मेरा ना हो, बल्कि परमेश्वर के द्वारा मेरे मुख को, मेरी जीभ पर अपना अनुग्रह देने पाए। आप सबको मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ कि एक बार फिर से आप हमारे इस पेज पर आए। और जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पेज को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और आज के इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये पेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पाए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंचने पाए। आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करते हैं और हम एक दो गीत गाएंगे जो कि यदि आप वो गीत आते हो तो मेरे साथ आप अवश्य गुनगुनाइए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। जब भी हम चाहें खुश होकर उसको धन्यवाद दे सकते, उसकी आराधना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे गाने से, हमारे भजन करने से, हमारे बजाने से खुश होता है। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। गीत के बोले आराधना हम करते हैं पूरे दिल से और मन से। आइए हम गीत में जाएंगे।
सचमुच हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसने हमें वो सारी चीजें दी हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, जो हमारे हमारे योग्यता से परे है, और वो हमें वो सारी चीजें देता है। देखिए भजन करता क्या कहता है अपनी 95 अध्याय की उसकी पहली और दूसरी आयत में, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो आइए हम एक और गीत में गीत गाकर उसकी स्तुति करेंगे और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अब मैं गीत आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ वो भी आप सबों को आता होगा, तो आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आइए हम इस गीत को आपके सामने रखते हैं और एक साथ मिलकर गाते हैं, और गीत के बोल हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर महान है, कृपालु है, दयालु है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच वो महान है और वो हर रोज हमें नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर वो हमारी हिफाजत करता है और जब हम परेशानी में होते हैं वो हमें हम पुकारते हैं, वो दौड़ा आता है और हमारे हर मुश्किलों से हमको नजात दिलाता है। और आइए हम मिलकर एक बार फिर से उसका धन्यवाद करें और इस गीत के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बेशुमार उन चीजों को दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर हमारी उन योग्यताओं से बढ़कर जो उसने हमें दिया उन चीजों के लिए उसको धन्यवाद देने पाए और मेरे साथ मिलकर इस गीत को गुनगुनाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए हम इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की को धन्यवाद देते हैं कि वो सचमुच कृपालु है, दयालु है और सर्वशक्तिमान है, हमसे प्यार करने वाला भी है। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता सचमुच कोटि कोटि प्रभु आपको धन्यवाद कि तूने हमें बेशुमार नियमतों से आशीषें दी है खुदा।
हम इस लायक नहीं है, लेकिन तेरे प्यार का सबूत है पिता परमेश्वर कि तू हमें मौके देता है कि हम तेरी उन दी हुई चीजों को जो तूने हमें बेशुमार दी है उनका धन्यवाद करने पाए। इसलिए पिता आपका दिल से धन्यवाद है, और खास तौर से आज के दिन के लिए और इस समय के लिए और सांझ की बेला के लिए कि आपने मेरे जीवन में दी कि मैं एक बार फिर से लाइव होकर परमेश्वर के वचन को सब लोगों में बांट सकूं, और आज के वचन को जो कि आपके द्वारा मुझे मिला है मैं उससे सबको रूबरू करा सकूं। आइए आज के वचन में जाने से पहले और आज के विषय को जानने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे और पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो रहे पाए, ताकि जो आज हम वचन आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं होने दे पिता परमेश्वर की आशीष मेरे जुबान पे होने पाए, उनके लहू भरा छिदा हाथ मुझ पर आशीष के रूप में होने पाए, ताकि वो वचन में आपके साथ अच्छे से और आपको समझाकर शेयर करने पाऊं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे रहीम आसमानी बाप, निहायत शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम नियामतों के लिए पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कि आपने पिता हमें बचपन से लेके आज तक संभाला है खुदा, और आज के दिन आज की इस ये मौका दिया कि पिता हम आपके वचन को बांटने पाए खुदा परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं आज, होने दे पिता परमेश्वर सबों को आशीषित कर, और जो आ रहे हैं पिता होने दे पिता परमेश्वर आप उन सबको भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। जो लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम आपके इस वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं खुदा, होने दे कि पिता परमेश्वर उनको सामर्थ से भर दीजिए खुदा। होने दे पिता परमेश्वर आज का वचन उनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो आज आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा मेरे द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर, उनके तक पहुंचने पाए पिता। और खास तौर से मैं एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर अनुपम डेविड के लिए और साथ ही सिस्टर शबनम डेविड के लिए खुदा, कि पिता परमेश्वर जो आपके इस कार्य को बढ़ाने के लिए वो जो आपने उनको ये मौका दिया है, और जो वो आपके इस वचन को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर इस पेज के माध्यम से लोगों तक आपके वचन को पहुंचा रहे हैं, होने दे पिता परमेश्वर उनको और उनके परिवार को बहुत आयत से आशीषित कर, ताकि पिता परमेश्वर वो इस पेज के माध्यम से बहुत से लोगों की रूह को बचाने पाए पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर जितने भी लोग आज के इस वचन में शामिल होते हैं वो आपके नाम के द्वारा आपके आपके द्वारा आशीषित किए जाएं। हमारी इस छोटी सी विनती को सुने और कबूल फरमाएं, आप ही के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो आज का विषय को जानने से पहले हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर हम एक सफर में हैं, जो कि हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं तो ये हमारा एक चिरस्थाई स्थान नहीं है कि हम यहाँ जिंदगी भर रहेंगे। हम और आप ये जानते हैं कि हम जो यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो एक सफर में है, और हम उस स्वर्ग में जाने के लिए उस उम्मीद से के साथ अपने हमारे अपने जीवन को इस सफर को या इस दौड़ को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं कि हम कब उस स्वर्ग में जा सकेंगे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, बहुत जगह है, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे भवन हैं, और ताकि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए जाकर मैं क्या करूं, ताकि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये परमेश्वर हमें जो क्या कर रहा है, मौके दे रहा है, वो हमको खुला न्योता दे रहा है, लेकिन क्या हम और आप तैयार हैं इस
स्वर्ग को जाने के लिए, इस न्योते को, इन इन्विटेशन को लेने के लिए, क्योंकि पौलुस भी अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीके का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थाई होगा। और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक घर बना रहा है। इस प्रकार हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक भवन तैयार कर रहा है। और अपने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ने ये कहा है कि आप स्वर्ग में प्रतिफल भी पाएंगे, इनाम पाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। और वो इनाम और प्रतिफल हम कैसे पा सकते हैं? जैसे कि मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि, जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, कि जो परमेश्वर के लिए, ध्यान से सुनेंगे, जो परमेश्वर के लिए निंदा सहते हैं, दुख उठाते हैं, उसका प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। और छोटे, और यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर कोई छोटे में से छोटे को भी अगर मेरे नाम से एक ग्लास ठंडा पानी पिलाएगा तो उसके लिए भी स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। इस प्रकार हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रतिफल या इनाम हमें स्वर्ग में मिलेगा। और साथ ही परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे स्वर्ग में मुकुट का भी, यानी कि ताज का भी अरेंजमेंट कर रखा है, जो कि जो वो हमें देना चाहता है। बाइबल में किस प्रकार के मुकुट के विषय में बताया गया है, आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि स्वर्ग में हमें किस प्रकार के, जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां जो प्रतिफल मिलेगा और जो मुकुट हमें इनाम में मिलेगा वो कौन कौन से मुकुट हैं। तो बाइबल में जहां तक हम देख सकते हैं, विशेष तौर से 5 मुकुटों के विषय में बताया गया है, जिसके बारे में शायद आप पहले से ही जानते हो, लेकिन आज परमेश्वर की तरफ से ये मुझे अगुवाई आई है कि मैं आपके साथ ये इन मुकुटों के बारे में शेयर करूं, और ताकि आप भी उनको और अच्छे से तरह से जान जाएं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का आना बहुत निकट है और हम और आप अपने आप को उसके आने के लिए तैयार करें, ताकि उसने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तो हम वहां कैसे रह सकेंगे? तभी रह सकेंगे कि जब हम अपने आप को तैयार करके उसके साथ उस स्वर्ग में जाएं और उन मुकुटों को प्राप्त कर सके, उन क्राउन्स को प्राप्त कर सके। तो बाइबल में हम देखते हैं कि हमें सबसे पहला मुकुट, जो कि जीवन का मुकुट है, क्राउन ऑफ लाइफ, जो हमें बाइबल के अनुसार, यदि आपके पास बाइबल है और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप बाइबल में खोल सकते हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में मिलता है, जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की गई है। साथ में एक जगह और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक और उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत में भी हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। सो यहाँ यूं लिखा है कि जो दुख तुझको झेलना होगा उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने को है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक तू विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हम यहाँ इन दोनों आयतों में देखते हैं कि इसमें जीवन के मुकुट के बारे में लिखा गया है। अब ये मुकुट उनके लिए है जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, क्योंकि दोनों आयतों में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जीवन का मुकुट हमको कैसे मिलेगा, कि हम
खरे निकले, उसके हर बात पे खरे निकले। और दूसरी आयत में लिखा है कि हमें हर दिन क्लेश सुना पड़ेगा, वो हम जेल खाने में भी डाले जा सकते हैं, हम जो है और कहा गया है कि हमें कब तक विश्वासी रहना, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है, तभी हमको ये जीवन का मुकुट मिल सकता है। और देखिए याकूब की पत्री में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, जहां ये लिखा है कि जब हम लोग दुख उठाते हैं तब बहुत बार मन करता है कि हम विश्वास छोड़कर पीछे हट जाएं, लेकिन जो लोग विश्वास में स्थिर रहेंगे उनको ये जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में भी हमें इस आयत को देखा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, देखिए अभी हमने देखा प्रकाशित वाक्य में कि क्लेश उठाना पड़ेगा, जेल खाने में भी डाला जा सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स घेर सकती हैं हमारे हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए। हम जेल में भी डाले जा सकते हैं और उन्हें मार भी खाना पड़ सकता है जो परमेश्वर की योजना के साथ उसके साथ चलते हैं, उसको मानते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं। और उनके लिए वचन में लिखा है कि उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। कितनी खूबसूरत बात है, खुदा उनको देगा जो उसके लिए दुख सहेंगे, जो हम उसके लिए अगर ताड़ना सहते हैं तो आप ये जान लीजिए हम उस अपने विश्वास में डगमगाए नहीं, हम पीछे नहीं हट जाए, बल्कि वो जान ले कि हम को किस जीवन का मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा हमको तैयार कर रहा है कि हम अपने विश्वास में ना डगमगाए, वो दौड़ को, विश्वास की दौड़ को पूरा करे, ना कि हम उसको छोड़ दें। लेकिन हम कभी कभी इतना दबाव, सताव और प्रेशर में आ जाने के बाद अपने विश्वास में डगमगाते हैं और इसलिए हम बीच रास्ते में ही अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। जो हमारा पुराना जीवन था, शैतान में था, अंधविश्वासों में था, गुनाहों में था, उसमें हम लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि हम इन सताव को, इन प्रेशर्स को नहीं झेल पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के सताव को झेलना मुश्किल हो जाता है, दुख को झेलना मुश्किल हो जाता है, और समाज के बीच में जब हम रहते हैं तो तमाम लोगों की ताड़नाओं को सहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और दूसरा और दुखी हो जाते हैं हम लोग कि क्योंकि हमें लगता है कि अब हम स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर ने आपके लिए वो मुकुट रखा है, वो तैयार मुकुट रखा है, यदि हम उसके विश्वास में खरे उतरेंगे तभी हमको ये जो है प्रेशियस मुकुट या क्राउन ऑफ लाइफ हमको मिल सकेगा, क्योंकि और बहुत सारे कीमती और प्रेशियस चीजें हमको प्रतिफल के रूप में परमेश्वर देगा इस पृथ्वी पर। थोड़ा सा दुख के लिए उस अनंत